22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से बाइक रैली निकाली जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और बावन कुले शामिल होंगे। आने वाले 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली है। इस अवसर पर पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ यह महोत्सव मनाया जाएगा, जिसे ध्यान में लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर में 19 जनवरी को बाइक रैली निकालने जा रहा है, जिसकी जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य ने दी है। 22 जनवरी को जो हम सबको पता है कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र इनका अयोध्या में गर्भगृह में वो विराजमान होने जा रहे हैं। 500 साल के बाद हमारे प्रभु श्री रामचंद्र उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। ना भूतो न भविष्यति ऐसी दिवाली पूरे भारतवर्ष में होने वाली है। ऐसा ही संकल्प लेके नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पर उनके नारे से हम भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर महानगर की ओर से नागपुर के 6 विधानसभाओं से 1,250 युवक हमारे वो रैलियां भव्य बाइक रैली निकालने वाले हैं। 19 तारीख को ये रैलियां सभी 4 बजे अपनी विधानसभा से निकलने वाली है। वो पूरी रैलियां 6 विधानसभाओं की पूरी रैलियां वो राजा बादशाह के हनुमान मंदिर में पहुंचने वाली है। वहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुड़े, इस नागपुर के हमारे भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष माननीय बंडी जी कुकड़े, इनके उपस्थिति में हम वहाँ भव्य महाआरती पवन पुत्र हनुमान इनके मंदिर में हम भव्य महाआरती करने वाले हैं। वहाँ 1,000 दिए लगेंगे। हमारा ढोल ताशा पथक का वहाँ वादन है। हम 2,500 युवक वहाँ हनुमान चालीसा का पठन का पाठ करेंगे और उसके बाद भव्य महाआरती करके हमारे कार्यक्रम का समापन करेंगे। युवाओं की ओर से निकाली जा रही इस बाइक रैली का समापन मेडिकल परिसर के प्रसिद्ध राजा बक्षव मंदिर में किया जाएगा। इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुड़े उपस्थित रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ प्रकाश श्रृंखल की रिपोर्ट।